top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. एक-एक क्लास के अंदर 150 बच्चे हैं और वो बच्चे तीन पारी में पढ़ रहे हैं. पढ़ क्या रहे होंगे आप समझ रहे हो, लड़ रहे होंगे. मैं बैठूंगा कि मैं बैठूंगा. हमने ये तय किया है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली बचाओ आंदोलन चलाया जाएगा. दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत खराब है, दिल्ली के अंदर अस्पतालों की हालत खराब है, दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत खराब है, दिल्ली के अंदर नालियों की हालत खराब है, दिल्ली के अंदर राशन की हालत खराब है, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है. तो अगर अब दिल्ली को बचाने के लिए आंदोलन नहीं चला तो मैं समझता हूँ कि जितनी दिल्ली खराब हो जाएगी उसको लौटा पाना और उसका विकास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जैसे आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ से मेट्रो गुजरती है पता चलता है कि वहाँ कितनी कितनी अनऑथराइज सड़कें घेर ली गई थी, अब उसको साफ किया जाता है. ऐसे ही दिल्ली को अगर अभी बचाया नहीं गया, जिसमें एक अपने आप में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, दो बार ऑड इवन के नाटक किए गए, अब ऑड इवन के लिए समय नहीं है क्योंकि अब दिल्ली का नहीं पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना है, दिल्ली का नहीं गोवा का मुख्यमंत्री बनने का सपना है और दिल्ली को राम भरोसे छोड़ने की बात है. विधानसभा के अंदर अब कोई मुख्यमंत्री इस दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ा गया है. और अगर ऐसा ही हुआ तो दिल्ली सरकार को जो विकास के काम करने थे और वो जो नहीं उन्होंने किए, इसको हम डे बाय डे एक्सपोज करेंगे. दिल्ली बचाओ आंदोलन का मतलब है दिल्ली भर की जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी RWAs हैं, जितनी और संगठन हैं, उन सब को जोड़कर दिल्ली बचाओ आंदोलन होगा, जिसके माध्यम से एक चुनौती होगी, या तो विकास करो नहीं तो कुर्सी को छोड़ के जाओ.